What? आज सुबह सुबह तैयार होके बैठी है क्योंकि मैंने इसको सुबह उठते याद दिला दिया कि आज ईद है, तो मैंने बोला ईद पे कम से कम थोड़ा ढंग के कपड़े पहन लो। माना लॉकडाउन चल रहा है बट ऐसे कहते हैं कि ईद पे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तो ये अच्छे कपड़े हैं। चलो दाई, देखा सुबह उठते ही फोन, देखा तूने? तो गुड मॉर्निंग, आज की कहानी ये है कि हम चाय बना लाए हैं अच्छे बच्चों की तरह और आज है ईद। ईद मुबारक हो आपको, आपको भी ईद मुबारक। और आज मैं सुबह सुबह देख रहा था, उठते ही जैसे मैंने फोन उठाया तो वो जो एक मेरा फेवरेट है ना शेफ जो बनाता है विलेज वाला, वो सेवैयां आज हम बनाएंगे कि मामी सेवैयां बना देंगे आज तुम्हारे, समझ गई ना तुम? हाँ, सपना सुनाओ आज का। क्या आज का सपना? प्रेजेंटिंग सपना बाय नीति गंडोत्रा। पहले तो ऐसे लग रहा है कि मैं ना पेमेंट करती जा रही हूँ। पेमेंट 3-4 पेमेंट्स कर दिए मैंने, वो तो अमेज़न पे कर रही होगी जो तू रात को करती है सोते हुए। और फिर एक जो बंदी थी ना जिसको अरेस्ट किया, ओए 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 ओए, जो वो थे ना शर्लक होम्स के सारे राज खुल के बिखर गए। मैंने ये भी नोटिस किया कि तेरी सपनों में ज्यादातर लड़कियां सुपर हीरो या वो निकलती हैं इन्वेस्टिगेशन सॉल्व करने वाली। हाँ, जेंडर बायस्ड है तू थोड़ी। यार मैं सपना देख रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे मेन कैरेक्टर्स तो मुझे ही डिपिक्ट करेंगे ना। अब मैं अगर सपने में भी बोलूँ कि हाँ शाहरुख खान वो था हीरो, तो वो शाहरुख खान अपना सपना खुद देखे सपना। तो वैसे ही काफी एक्साइटेड है क्योंकि उसका अमेज़न से कोई सामान आया है और बोल रहा है मैंने आज ही खोलना है, तो मैंने कहा रुक जा एक दिन, बट नहीं अब तो हम रुक ही नहीं सकते क्योंकि जरूरी सामान है, कैमरे का सामान। बस समझ सुन लिया ना, तो अब सुन ले खोलना कैसे है। बाहर वाली सीजर लो, उसको एक हाथ तो बिल्कुल वो रखो, नॉट टचिंग, वन हैंड आर्मी हो तुम, एक हाथ से ही कैंची से ऐसे काटो, जो क्लीन वाला हाथ है उससे सामान निकालो, उसको वहां फेंको और कैंची को सैनिटाइज कर दो, ठीक है? हाँ, क्या है ये? इससे कलर एडजस्ट होते हैं कैमरा के, मतलब जो तेरे चेहरे का फेस जो कहती है ना तुम्हें खराब आता है, चाहे तूने मेकअप नहीं किया हो फिर भी तू बोलती खराब आता है, आना तो खराब ही है बट कोशिश ये है कि तेरे, समझ गई ना? चाय मिलेगी? मुझे भी नहीं आता, मिलेगी मिलेगी मेरे वाले कलर की। हाँ मिलेगी। हेलो, व्हाट डू यू वांट टू ईट? इधर आओ, इधर आओ। उसने बूफे मांग लिया ना बेटा, तेरी वाट लग जाएगी, ज्यादा उससे पंगे मत ले। चला आज तो ईद है यार, आज तो चिकन मटन खाना चाहिए। तो पहले से प्लानिंग होती है। क्या कहती हो? मंगाया कुछ है? आज लेके आते हैं चिकन, आज बाहर जाएंगे यार, बहुत मैं बोर हो गया हूं, मतलब एक चक्कर मारेंगे, सामान लेके आएंगे ना इसी बहाने बाहर आएंगे। अच्छा हां, सामान तो लाना ही है। ये वाले में दे दूं? व्हाट द फ्लॉक आई एम डूइंग। हो सकता है शाम को हम कुछ बढ़िया बना के खाएं, मगर जिसका पेट खराब है वो तो खिचड़ी ही खाएगा ना। आओ खाना खाओ, चलो मिक्स करना होता है हाथ से अच्छे से, और फिर इसको बुलाना होता है प्यार से। फिर इसको प्यार से बुलाना होता है। अबे तूने बिगाड़ दिया है इसको, वाओ प्यार से बुलाना पड़ता है। Someone you bring to mama's house.
पॉम बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो तो है। क्यों है इम्पोर्टेंट ये आपको ये बताएंगे जो पसंद है भाई। टाइम अपना आज का किल कर रही है ये लगा के बताओ। When you don't have energy to do a lot of exciting things, then you should do something that you love. Then you should put pom pom. By the end of the day. तो बीवी की थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण आज छोटा मोटा काम मैं कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, ब्रेकफास्ट ही खिलाएगी, खिलाएगी ना? हाँ, तो मैं तुझसे ये पूछ रही हूँ, सवाल मेरा ये है कि आज ईद के शुभ अवसर पे तुम क्या खाना चाहते हो? बढ़िया। अंडे वाली परोंठी। पहले मुझे ये बता कि ईद से तुझे क्या याद आता है? एनी मेमोरी दैट यू हैव? बचपन से ही वहाँ जाते थे, थर्सडे को वो पीर बाबा नहीं होता था, वहाँ जाते थे। तो वहाँ पे वैसे तो वो मीठी रोटी का प्रसाद मिलता था जम्मू, बहुत पे पसंद है। हाँ ठीक है, बचपन में। और हर थर्सडे को हम लोग वॉक करते हुए सारे जाते थे कॉलोनी में, ऐसे बातें बातें करते हुए शाम को जाते थे, ठीक है, मम्मी के साथ। और हमें अच्छा लगता था मीठी रोटी का प्रसाद, और इतना अच्छा लगता था कि मेरी मम्मी मीठी रोटियाँ बनाना शुरू हो गई, वो आज तक बनाती हैं। ठीक है, और इसका फेवरेट मस्जिद है दिल्ली में वो निजामुद्दीन, मैं अभी भी जाती हूँ। और ये ईद के आसपास ना अब हमें इतना याद नहीं होता था उनका ना, अब हमें अपनी दिवाली पता होती है कि आने वाली है। हाँ, ईद बचपन में उतना याद नहीं होता, ध्यान नहीं होता। तो मुझे याद है कि उस टाइम पे ना थोड़े स्टॉल्स ज्यादा होते थे बाहर खाने पीने के, और बलून्स वाले आ जाते थे भैया, थोड़े खिलौने विलोने दरगाह के बाहर, तो थोड़ा माहौल फेस्टिव वाला हो जाता था। और कई बार कोई एक्स्ट्रा मीठी चीज खाने को मिल जाती थी प्रसाद में, हमें बस खाने पीने से मतलब है। हाँ, सेम हेयर। हाँ, तुम्हारे साथ ये होता था, तुम्हारे साथ क्या होता था? तो मेरे को जो ईद बचपन में, मैंने मेरे को कोई ऐसी कोई मेरी मेमोरी नहीं है खास ईद के रिलेटेड स्पेसिफिकली, बट अभी जब हम ऑफिस से मैं हैदराबाद गया, मुझे बताया गया कि मेरी हैदराबाद में जॉब लगी है, और मैं काफ़ी खुश था जब मैं वहाँ पहुँचा। मैं जब वहाँ पहुँचा तो पता लगा कि मेजर पॉपुलेशन इन माई टीम, आई हैड अ टीम ऑफ से 50-60 पीपल, मेजर पॉपुलेशन वॉज मुस्लिम। तो और वो ना वैसे थे कि जो एक साथ सेलिब्रेट करते थे, दिल्ली में काफ़ी मिक्स पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे वो एक साथ सेलिब्रेट करके करते थे। वो अगर उनका कोई फेस्टिवल होता था तो वो कपड़े भी उसी तरह के पहन के आते थे, और कुर्ते वगैरह नॉर्मल होते थे, तो एक इन्वायरमेंट था, ठीक है। और जब पहली बार मुझे याद आया कि ये ईद आई, क्योंकि नाइट शिफ्ट होती थी, ठीक है, तो इवनिंग में उनका क्या होता है, सहरी इवनिंग में होती है, आई रियली डोंट नो, ठीक है, बट मुझे याद है इफ्तारी और सहरी है ना, इफ्तारी। तो वो कहते थे कि हम इसके लिए ब्रेक पे जा रहे हैं, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो वो मिलने नहीं आया था। वो तब मुझे वो इन्वायरमेंट से मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस, तो वो मुझे लेके जाया करते थे हलीम खाने। तो मैंने जिंदगी में पहली बार हलीम खाया, जो हलीम मैंने जब पहली बार खाया कहीं से पैराडाइज से, तो वो मुझे खास समझ नहीं आया। फिर किसी ने बोला यार हमारे वहाँ पे मिलता है ओल्ड हैदराबाद, ठीक है, तो वहाँ से लेके आएंगे आपके लिए। उन्होंने मुझे मटन हलीम खिलाया, ओ माई गॉड, वो मैं तो फैन ही हो गया। और फिर उसके बाद जो बाजार लगता था अपना रमजान का बाजार चार मीनार के पास, वहां गए हम एक बार, भीड़ बहुत होती थी, बट जो मजे आते थे रात को, ओए होए होए, तो दोज आर माय मेमोरीज, और वो बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं। और मैं मतलब अभी अगर अभी ईद चल रही है तो आसपास इसके हम करीम्स या निजामुद्दीन का खाना जरूर खाते थे, अभी इस समय लॉकडाउन में तो खा नहीं सकते, तो दैट इज माय मेमोरी। और मुझे उससे फिर वो खाना याद आता है, और कुछ नहीं, मेरे को भी खाने की मेमोरी। मोटे तू खा ले, तू ब्रेकफास्ट कर ले, वरना तू सारा टाइम पहले ब्रेकफास्ट। मेरे फ्रेंड की बेटी है एक, और वो मुझसे काफी मतलब, सेनोरिटा का बर्थडे है आज। थैंक यू। अगर आप मेरे को हैप्पी बर्थडे, हमने बोला हैप्पी बर्थडे। उसका कल फोन आया और उसने बोला कि मुझे ना डॉगी चाहिए, उसको लैला से बहुत प्यार है, मगर उसके पेरेंट्स जो है वो अलाउ नहीं करते डॉग रखना, जैसे बचपन में हमारे साथ होता है। तो वो मुझे कल से ये छोटे छोटे वो भेज रही है मैसेजेस व्हाट्सएप पे, इंटरनेट से निकाल निकाल के, टीनी टाइनी पपीज गारंटीड टू मेक यू से ऑ, जिक्सॉ पजल, वाइट पमेरियन पपी टू क्यूट 20 पीसेस है। यार। उसको जो भी डॉग का दिख रहा है वो भेज रही है, चाहे वो पजल है, उसको बेचारे को ये नहीं पता कि ये पजल है। क्या यार, मैं भी बचपन में ऐसे ही था, मुझे भी वो चीनी पहले डालनी थी पानी के अंदर, पहले चीनी डालते हैं उसके बाद उसको घोलते हैं चीनी को पानी के अंदर, फिर डालते हैं सेवियां। ओ चल यार मास्टर शेफ, पीछे हट तू, बचपन से लेकर अब तक मेरे हाथ का हलवा खा रहा है, मैंने बड़ी चीनियां गोल गोल के डाली हैं उसमें। एक तो तुम्हें यहाँ पे खड़ा रखना भी ना,
आफत ही है। आप समझ आ रहा है मेरी मम्मी क्यों इतनी इरिटेट होती है मेरे से? मेरे पिताजी से जब वो किचन में आ जाते थे, उनको पता क्या प्रॉब्लम थी? वो कहते थे, पुष्पा तू नमक ऐसे ऐसे क्यों नहीं करती? कैसे ऐसे देख के ऐसे जवाब करके, हाँ डाल देती थी ना एक जगह, करे तभी तेरी एक अकेली गोभी में सारा नमक होता, बाकी सब्जी में नहीं होता। उनको ये था कि तू ऐसे ऐसे क्यों, और इसको उन्होंने काफी मुद्दा बनाया। सारे शोशे होते हैं ना, ये उनके होते हैं जिन्होंने कभी कभी आना होता है, जिन्होंने रोज करना होता है ना, जो बिल्कुल वो होते हैं कि ओ हो हमें सब पता है, हमें सब आता है टाइप्स, वो नहीं इतने ड्रामे कर पाते। अच्छा ठीक है इतना। किशमिश भी डालो। किशमिश वो डाल रहे थे भाई साहब सुबह। किशमिश तो बहुत भी है अंदर, किशमिश और कोकोनट जा चुका है। वेरी गुड वेरी गुड। तो अपन अब क्या सेवियां खाएंगे और उसके बाद आज मैंने ये सोचा है कि बन गई है, की बात है। मैंने आज सोचा है कि थोड़ा सा मतलब चिकन विकन लाया जाए, बाहर जाया जाए और रात को बीवी को एक बढ़िया कोरमा बना के खिलाया जाए। ओ भाई इसको मुझे टेंशन है कि किचन गंदी होगी। Baby, 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 baby.